नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इसमें आप एकदम ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा. ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है, और ये एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि सबसे हार्ड मैकेनिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे इजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो. सेंट्रल डॉग्मा एक और बार याद कर लेते हैं कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन. देखो, हमारी बॉडी में जब हम एक सिंगल सेल थे, हमारी बॉडी की हर एक सेल में, अभी भी हमारी बॉडी की हर एक सेल में सेम डीएनए है, बिकॉज वही डीएनए हमें हमारे पेरेंट्स से आया है. तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है. फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलके बनता है जायगोट. और अभी ये जो सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल डिवाइड हो के पूरा ऑर्गेनिज्म वूम में बनता है. तो बरोबर जो लिवर सेल्स है वो लिवर सेल्स जैसे होते हैं, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जैसे होते हैं, बरोबर हार्ट के सेल्स. तो जैसे पूरा बेबी बनता है और पूरी बॉडी में अलग अलग सेल्स बनते हैं, बट सब कुछ एक सिंगल सेल से बन रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे हुए? जहाँ के जो सेल्स है वो बरोबर वही कैसे है? कार्डियक सेल्स अलग होते हैं, हर एक बॉडी के न्यूरॉन्स अलग होते हैं, नेफ्रॉन्स अलग होते हैं, सारी चीजें अलग अलग होती है. तो सिंगल सेल से सब कुछ अलग अलग कैसे है? और जेनेटिक मटेरियल भी, अब इस जो एक सिंगल सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो ही उसकी प्रोजेनी में गया है आगे. तो फिर कैसे डिफरेंशिएशन एंड ऑल होता है? यही होता है जीन रेगुलेशन की वजह से. जीन रेगुलेशन, जो हार्ट के सेल्स है हमारे या फिर जो न्यूरॉन्स है, बरोबर वो न्यूरॉन्स में ही क्यों बने? बिकॉज उस टाइम पूरे डीएनए में जो जीन्स है हमारे, ये हमारा डीएनए है, जैसे हमने देखा कि प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है. तो सपोज ये हमारा डीएनए है, और डीएनए के हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है. ये सपोज ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन. तो ऐसे डीएनए के पार्ट्स पे जो जीन्स होते हैं, जहां जो जीन्स एक्टिव चाहिए हमें, जहां जो जीन्स की रिक्वायरमेंट है, वहां वो ही जीन्स एक्टिव होते हैं, बाकी के नहीं होते. तो ये कौन डिसाइड करेगा? एक सेकेंड, यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है. तो देखो, तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन. जहां पे जो जीन की रिक्वायरमेंट है वो वही एक्सप्रेस होगा. मतलब कैसे एक्सप्रेस होता है? वही उसका एमआरएनए बनेगा, वही उसका प्रोटीन बनेगा. तो ये जीन रेगुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे आप. पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की. जैसे दोनों में ही डीएनए से बनेगा एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, ओके. बट यूकैरियोटिक में कैसे होता है? डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, फिर स्प्लाइसिंग होगी एचएनआरएनए, फिर उससे बनता है एमआरएनए, ये है फंक्शनल आरएनए, और फिर बनता है प्रोटीन. और जो यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पे सारी चीजें यही हो रही है. ये है जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एमआरएनए बनता है, वैसे ही पीछे से उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है. यहाँ पे पीछे से राइबोसोम जुड़ के प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू कर देते हैं, पूरा ट्रांसक्रिप्शन होने के पहले ही, बिकॉज यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है. और इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए बाहर आएगा और बाहर प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में. तो इस वजह से यूकैरियोटिक में बहुत सारे जगह जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं. जैसे तो रेगुलेशन में डीएनए से एचएनआरएनए बनने में, डीएनए से एचएनआरएनए बनने वाली लेवल पे ही हम ऐसा कुछ कर दे कि एचएनआरएनए बने ही ना, तो यहाँ पे ही हम जीन रेगुलेशन करा के एचएनआरएनए बनने ही नहीं देंगे, यहाँ पे ही हम स्टॉप करा देंगे. बिकॉज हमको ये जो डीएनए पे जो जीन है, जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना है, प्रोटीन तक उस जीन को नहीं जाने देना है. ये एक वन लेवल हो गया. फिर अगर सपोज एचएनआरएनए बन गया, तो उसको एमआरएनए नहीं बनने देंगे. यहाँ पे स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग. तो स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस में हम कुछ तो भी गड़बड़ कर सकते हैं कि एमआरएनए बने ही ना. एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हमको जो जो जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना था वो एक्सप्रेस नहीं होगा. लेकिन अगर एमआरएनए भी बन गया, तो एमआरएनए यहाँ पे बना होगा, अभी इस एमआरएनए को बाहर आना पड़ता है, तो बाहर आने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि वो बाहर ही ना आ पाए, तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगा. और अगर वो हो गया, सपोज बाहर भी आ गया, तो यहाँ से लेके प्रोटीन के लेवल पे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि प्रोटीन बने ही ना. तो इतने लेवल पे हम, चार लेवल पे जीन रेगुलेशन कर सकते हैं. किसमें? यूकैरियोटिक में. यूकैरियोटिक में फोर लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ओनली वन लेवल पे कर सकते हैं, वो है ट्रांसक्रिप्शन वाली लेवल पे. इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन था, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, मतलब एक बार एमआरएनए बन गया,
तो फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए तो फिर ऑब्वियसली हमको जो इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सप्रेस होने देनी थी वो एक्सप्रेस हो रही है अब। इसलिए इसके लिए जो प्रीडोमिनेंट मोस्ट मेन साइट है वो है ट्रांस ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन वाली लेवल पे ही बेस्ट क्या कहते हैं बेस्ट जीन रेगुलेशन हो पाता है प्रोकैरियोट्स में। रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे ऑकर एट वेरियस लेवल्स। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन के प्रोटीन में रिजल्ट होता है कभी भी, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। इन यूकेरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, मैंने चार लेवल्स बताए थे, ध्यान से सुनो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सबसे पहले डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने देंगे, जैसे मैंने बताया एचएनआरएनए बनने ही नहीं देंगे हम, तो ये वाली लेवल पे भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग, अगर सपोज बन गया एचएनआरएनए तो उसको एमआरएनए नहीं बनने देंगे, तो स्प्लाइसिंग नहीं होने देंगे। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म में नहीं आने देंगे, और अगर तो भी वो आ गया तो फिर है ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर देंगे, ट्रांसलेशन को रोकने का ट्राई करेंगे। तो ये चार लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज बाय ई कोलाई, इट इज यूज टू कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइसेक्राइड लैक्टोज इन टू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। देखो मैं पहले यहाँ पे कुछ चीजें बता दूँ फिर रीड करते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई को ग्लूकोज पसंद है, ग्लूकोज पसंद है, ये यूजुअली इसका जो खाना है वो ग्लूकोज है। ओके तो जब मीडियम में ग्लूकोज होता है तो ई कोलाई हैप्पी हो जाता है बहुत, बिकॉज इसको ग्लूकोज पसंद है। लेकिन अगर मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, ई कोलाई को हम ऐसे मीडियम में डाल दें जहाँ पे लैक्टोज है, अभी यूजुअली वो ग्लूकोज खाता है उसको लैक्टोज की हैबिट नहीं है, लेकिन अगर हम उसको लैक्टोज के मीडियम में डाल दें और अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसको खुद को सर्वाइव करने के लिए लैक्टोज डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस बीटा। तो ये जो एंजाइम है ये एंजाइम ऑब्वियसली डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आपके जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के जो जीन्स है वो एक्सप्रेस हुए तो ही ये एंजाइम बन पाएगी, ये आपका डीएनए। यहाँ पे सपोज यहाँ पे है बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन, ओके यूजुअली ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बिकॉज हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज है तो अभी हमको डाइजेस्ट करना है लैक्टोज को, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जरूरत पड़ेगी, तो तब ही ये जीन एक्सप्रेस होता है, इसको ही बोलते हैं जीन रेगुलेशन। यूजुअली हमको इस जीन की जरूरत नहीं है, हम एक्सप्रेस नहीं कराएंगे, अब अचानक जरूरत आन पड़ी तो अभी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं जीन रेगुलेशन। जब जो काम आ रहा है तब ही एक्सप्रेस करो, जब अगर काम नहीं है तो मत एक्सप्रेस करो। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज टू कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली गैलेक्टोज और ग्लूकोज को भी यूज करती है। इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। देखो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल लेवल पे तो होता ही है, एनवायरमेंटल लेवल पे भी होता है, मतलब हम कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस पे भी हमारे जीन्स का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। जैसे कभी भी साउथ में जो लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीकन लोग एंड ऑल, वो ज्यादा डार्क इसलिए होते हैं बिकॉज उनके एनवायरमेंट की भी वजह से, एक तो उनके जीन्स में है तो उनके एनवायरमेंट की वजह से इवोल्यूशन में ओवर टाइम उनका ऐसे जीन्स आ चुके हैं कि उनमें डार्क कलर आता है। और कभी भी देखना कश्मीर के लोग या फिर द पीपल हु लिव इन कोल्डर एरियाज, वो कभी भी फेयर स्किन होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन लाइट होता है, ऐसे जीन एक्सप्रेशन होता है। तो वो हमारे एनवायरमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, उनको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको डार्क स्किन भी है, और कोल्डर एरिया वालों को उनको सन से प्रोटेक्ट नहीं करना है खुद को, इसलिए उनकी लाइटर स्किन है। द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इंटू अडल्ट ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ A coordinated regulation of expression of several sets of genes. In prokaryotes, control of rate of transcriptional initiation is predominant site of
यहाँ पे इतनी वायर है, इतनी वायर है यहाँ पे, चार्जर की वायर, लैपटॉप के चार्जर की वायर, टैबलेट के चार्जर की वायर, फोन के चार्जर की वायर, सब कुछ यही है। लाइट के चार्जर की वायर, वेबकैम का वायर, पेंटैब का वायर, ओ माय गॉड, माइक का वायर, हर इतने सारे वायर हो चुके हैं ना यहाँ पे। एनीवेज, फिर से रीड करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बताया, प्रोकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही करेंगे, मतलब डीएनए से आरएनए बनते टाइम ही कुछ ना कुछ हमें खुराफाती करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एमआरएनए नहीं बनने देना है। वो ही बेस्ट साइट है। इसके पास चार साइट थी, यूकैरियोट्स का सही सीन है, उसके पास चार साइट थी, वो कभी भी रोक सकता था जीन एक्सप्रेशन। चार बार उसको मौका मिला है कि वो जीन एक्सप्रेशन रोक सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स को कोई मौका नहीं मिला। उसको डीएनए से एमआरएनए बनते टाइम ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जिससे जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन्स व्हिच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि सपोज ये आपका डीएनए है, ये है कोई तो भी जीन, ओके। अभी इसको ये करना है, क्या कहते हैं, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, बॉडी नहीं कर रहा था, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये डीएनए है तो डीएनए से बनाएंगे आरएनए, ये है डीएनए, अभी इससे आरएनए बनाना है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, ये वाली साइड पे ना कोई प्रोटीन डाल देते हैं, एक्सेसरी प्रोटीन, जो क्या करेगा, ये साइड ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएंगी, तो फिर अभी आगे आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएगा, तो आगे आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएगा, तो जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि विथ एक्सेसरी प्रोटीन्स दिस रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिवली रिप्रेसर्स। देखो, दोनों तरफ से ये प्रोटीन्स काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई जीन को एक्सप्रेस कराना है तो ये एक्सेसरी प्रोटीन्स रुका भी सकते हैं, मतलब ये हटा दिया हमने, सपोज ये एक्सेसरी प्रोटीन हटा दिया तो जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देना है तो यहाँ पे फिर से एक्सेसरी प्रोटीन्स लगा देंगे। तो ऐसे, तो वो दोनों तरफ से काम करते हैं, एक्टिवेटर्स भी, नेगेटिवली रिप्रेसर्स के भी रूप में वो एक्सेसरी प्रोटीन्स काम करते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजंस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड विद इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। पहले ओपेरॉन पढ़ लेते हैं। ओपेरॉन होता क्या है? ओपेरॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स, बहुत सारी जीन्स का ग्रुप को बोलते हैं ओपेरॉन। ये देखो द लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन होता क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये बताया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस तभी एक्सप्रेस होगा जब जरूरत होगी, और जब जरूरत नहीं होगी तब नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये कैसे होता है, लैक ओपेरॉन ऐसा ही एक ओपेरॉन है जो ई कोलाई में है। जैसे जब लैक्टोज की जरूरत है, मतलब जब लैक्टोज है और जब बीटा गैलेक्टोसाइड की जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने के लिए, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेस के जीन एक्सप्रेस होंगे। तो क्या होता है, हम जीन रेगुलेट करते कैसे, ये जो ये पूरा के पूरा है, ये एक डीएनए का पार्ट है और ये है कंटिन्यूअसली जीन्स है, ये जो ये प्रमोटर रीजन है, ओके। ये हमारा जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर से ऑब्वियसली शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर ये यहाँ पे आए है, आए मतलब यहाँ पे ऐसी सीक्वेंसेस होगी या ऐसी जीन होंगी, इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब रुकाने वाला, इनहिबिट करने वाला। तो ये जो आए है यहाँ पे ऐसे जीन्स होंगे जिससे जो रिप्रेसर एमआरएनए बनता है, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर बनता है, रिप्रेसर मतलब इनहिबिटर, वो रोकेगा जिस प्रोटीन की हमने बात की थी, जो यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे जो प्रोटीन जाके लग जाएगा, मैंने बोला था ना वो रास्ता रोक लेता है तो फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाता। तो वो ही है ये रिप्रेसर, और वो रिप्रेसर का जीन यहाँ पे है। कोई भी प्रोटीन, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन मैंने आपको बताया वो हवा में से तो नहीं आया है ना, उसके भी लिए कोई ना कोई डीएनए होगा, एमआरएनए होगा, प्रोटीन वही उसी वजह से बनते हैं। एक जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए दूसरे जीन का एक्सप्रेशन होके एक प्रोटीन बन रहा है और वो जाके रोकेगा। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है कैसे बनता है, देखो सबसे पहले प्रोमोटर रीजन है, ये भी उसी डीएनए पे है, इनहिबिटर रीजन, यहाँ से एमआरएनए बन गया, ये रहा हमारा रिप्रेसर एमआरएनए बोलते हैं इसको, रिप्रेसर एमआरएनए बना, उसने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन, उसका हो गया ट्रांसलेशन, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। रिप्रेसर प्रोटीन गया और यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे जाके जुड़ गया, ये यहाँ पे एक ऑपरेटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन पे जाके जुड़ गया।
ये तो प्रमोटर है ऑब्वियसली, ये इस पूरे ओबेरॉन का, इस पूरे जीन्स का प्रमोटर है। तो ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन पे जाके ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होगा एंड ऑल, लेकिन वो आगे कर ही नहीं पाया, आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाया जस्ट बिकॉज यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है। तो आगे ये हुआ ही नहीं ट्रांसक्रिप्शन, कोई हमको यहाँ पे एमआरएनए मिला ही नहीं। तो ये जो ZYA जीन्स है उनके प्रोटीन बने ही नहीं। ये ZYA जीन्स किस किस के लिए है मैं आपको बताती हूँ। देखो Z है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन ही नहीं पाई बिकॉज रिप्रेसर ने रिप्रेस कर दिया ना, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन ही नहीं। तो ये कब हो रहा है, ये फर्स्ट केस तब हो रहा है जब लैक्टोस है ही नहीं हमारे सराउंडिंग में, सराउंडिंग में लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइड की जरूरत नहीं है। इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, मतलब यहाँ से जो एमआरएनए बनेगा वो आगे प्रोटीन जो बनाएगा वो रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। वाई है परमेस और ए है ट्रांसएसिटाइलेज। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ZYA सबसे पहले प्रमोटर, किस जीन का मतलब किस जीन का प्रमोटर, आई वाले इनहिबिटर जीन का प्रमोटर रीजन है, उसके बाद एक और प्रमोटर रीजन है वो है ऑपरेटर जीन का, यहाँ पे ऑपरेटर जीन था और यहाँ से हमारे आगे एंजाइम्स बनने वाले थे ZYA। ये रीजन मतलब यहाँ पे वो जीन्स थे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज बनाते थे आगे चल के, समझी बात। ये कौन से केस में हो रहा है जो लैक्टोस नहीं है, अगर लैक्टोस है, लैक्टोस रहने वाले केस में ये सेकेंड केस होता है, ये है प्रमोटर रीजन। ये जो इनहिबिटर रीजन है, इनहिबिटर रीजन ने क्या किया, सबसे पहले तो रिप्रेसर एमआरएनए बना दिया, रिप्रेसर एमआरएनए, तो अभी ये बनाएगा रिप्रेसर, अभी रिप्रेसर जाके लाइक रिप्रेसर प्लान कर रहा है कि अभी वो जाएगा ऑपरेटर रीजन पे जुट जाएगा और गेम रोक दूंगा। तो अभी रिप्रेसर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर के साथ ही गेम हो गया, इंड्यूसर नाम का एक प्रोटीन आ गया, मतलब इंड्यूसर नाम का एक प्रोटीन नहीं, इंड्यूसर यहाँ पे होता है लैक्टोस इटसेल्फ, लैक्टोस खुद ही इंड्यूसर है। तो अगर लैक्टोस सराउंडिंग में रहेगा, लैक्टोस है हमारी सराउंडिंग में, लैक्टोस आया, लैक्टोस ने ये रोक दिया, वो रिप्रेसर से जाके बाइंड हो गया, तो अभी रिप्रेसर को रोक दिया उसने, ऐसे रिप्रेसर को पकड़ के रख दिया। तब तक यहाँ पे फटाफट आरएनए पॉलीमरेज भागी, उसने एमआरएनए मतलब लैक एमआरएनए बना दिया, उसने एमआरएनए बना दिया, तो मतलब ये जीन सारे आ गए, जीन एक्सप्रेशन हो गया, सारे एमआरएनए पे आ गए, एमआरएनए से धड़ाधड़ हमने प्रोटीन बना लिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रोटीन मतलब वो एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज ट्रांसएसिटाइलेज। तो हमने ट्रांसलेशन फट 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 ट्रांसलेशन कर दी, तब तक ये जो इंड्यूसर है उसने रिप्रेसर को पकड़ के रखा था कि वो रोक ना दे जाके। तो ऐसा गेम चालू है, ऐसे होता है जीन का एक्सप्रेशन, इतना सब कुछ चालू है, वही चीज है जो मैंने आपको बताई, सब वही दिए वाला है रीड में भी। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपेरॉन्स। देखा हमने कि ऑपरेटर रीजन प्रमोटर के बाजू में होता है, यहाँ पे हमारा प्रमोटर था, उसके लगेज बाजू में था ऑपरेटर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर पे रिप्रेसर लग गया तो स्टॉप हो जाएगा जीन का एक्सप्रेशन। ईच ओपेरॉन हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसमें लैक है हमारा, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर, तो सब में लैक रहना जरूरी है। लैक ओपेरॉन, द एलुसिनेशन ऑफ लैक ओपेरॉन वॉज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिस्ट जैको फ्रेंस फ्रैंकोइस जैको और जैक मोनार्ड, तो बायोकेमिस्ट जैक मोनार्ड, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने साथ में काम किया, इससे पता चला दे वर फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था कि ऐसे रेगुलेशन होता है इन लैक ओपेरॉन। हियर लैक रेफर्स टू लैक्टोस, अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे देखो सिस्ट्रॉन का मीनिंग मैंने बताया है आपको लेक्चर में अभी पहले, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब देखो कंटिन्यूअसली अलग अलग प्रोटीन के लिए, अलग अलग प्रोटीन के लिए, यहाँ से अलग प्रोटीन हो रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेस ऑब्वियसली, यहाँ से अलग हो रहा है परमीएज, यहाँ से अलग हो रहा है ट्रांसएसिटाइलेज, और तीनों जीन सीक्वेंस में है तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया ना। यूकेरियोट्स में हमने देखा था कि मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, एक ही प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग ये अलग, फिर से रीड कर ले। इन लैक ओपेरॉन में कॉमन प्रमोटर, एक ही प्रमोटर था सारे जीन्स का, देखा हमने कि ऐसा नहीं है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस के पहले भी एक प्रमोटर,
एक ही प्रमोटर है, ऑपरेटर और फिर पूरे सारे जीन्स। तो एंड रेगुलेटरी सिक्वेंसेस, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर टू एज ओपेरॉन। इसको ही ओपेरॉन बोलते हैं और ये बैक्टीरिया में होता है, जैसे मैंने बोला प्रोकैरियोट्स में ही ये होता है, यूकैरियोट्स में तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है ना। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, बैल ओपेरॉन, ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन्स हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन, मतलब इनहिबिटर। द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, में इंड्यूसर नहीं, रादर इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, जेड वाई ए, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वाई परमीएज, ए ट्रांसएसिटाइलेज। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन, द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, व्हिच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइसैकेराइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट्स, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। द वाई जीन कोड्स परमीएज, व्हिच इंक्रीज परमीएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस की परमीएबिलिटी बढ़ाता है वो। ए जीन कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। हेंस ऑल थ्री जीन प्रोडक्ट्स इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ही ये तीनों काम आने वाले हैं। द मोस्ट कॉमन ओपेरॉन्स एज वेल एज द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ओपेरॉन। जैसे हमने देखा कि रिप्रेसर वो कैसे वर्क कर रहा था, ऑन एंड ऑफ, स्विच ऑन रहा प्रोटीन बनेगा, स्विच ऑफ रहा तो प्रोटीन नहीं बनेगा बिकॉज रिप्रेसर है। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर का काम कर रहा है, ओके, क्योंकि लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर को रोक लिया, रिप्रेसर को ऐसे पकड़ के रखा, तब तक वहां पे हो गया, मतलब तब तक वहां पे एंजाइम्स बन गए। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर है। इन द एबसेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। परमीएज की हेल्प से लैक्टोज गया। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैनॉट एंटर द सेल्स। द लैक्टोज देन इंड्यूसेज ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। लैक्टोज ऐसे इंड्यूस करता है जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको। द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कंस्टिट्यूएंटली। रिप्रेसर तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली हमको लैक्टोज नहीं मिलता है मीडियम में, उसको उसको ग्लूकोज मिल जाता है, वो ग्लूकोज खा लेता है, ग्लूकोज पच जाता है, तो हमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर वो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती नहीं। तो इसलिए कंटिन्यूअसली रिप्रेसर प्रोटीन सिंथिसाइज हो रहा है, रिप्रेसर जाता है, रोक देता है सारे प्रोटीन्स के, मतलब जीन एक्सप्रेशन को रोक देता है, तो प्रोटीन्स बनते ही नहीं है वो एंजाइम्स। लेकिन ऐसे टाइम पे जब लैक्टोज है मीडियम में, तो फिर हम रिप्रेसर को रोकेंगे बिकॉज हमको उन एंजाइम्स की जरूरत है। द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूएंटली फ्रॉम द आई जीन। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन ऑफ ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंटरक्शन विद इंड्यूसर। इंड्यूसर ने पकड़ लिया रिप्रेसर को, तो रिप्रेसर को हमने इनएक्टिव कर दिया। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। इसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय अ सबस्ट्रेट। वैसे भी इसको देख सकते हैं। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैक ओपेरॉन। हाँ, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये नेगेटिव रेगुलेशन है बिकॉज हम रोक रहे हैं। लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। यहाँ पे हमें उतने आगे नहीं जाना है। यहाँ तक आपको समझा क्या कि कैसे लैक्टोज काम कर रहा है, ये पूरा लैक ओपेरॉन वर्क कैसे कर रहा है, कैसे हमने एक जीन को जब हमें उसको एक्सप्रेस कराना है तब हम एक्सप्रेस करा रहे हैं, जब उसकी जरूरत नहीं है तो तब रिप्रेसर प्रोटीन वर्क करके नहीं कराता है। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। थैंक यू।